हाँ जी, आपका स्वागत है अपने गुरमे व्लॉग में। तो जी, आज दिन है शुक्रवार का और टाइम हो गया है, शाम के बज गए, पूरे 6 बजे बज गए हैं। तो मैंने 6 बजे अपना व्लॉग थोड़ा सा स्टार्ट किया, तो अभी बनाऊंगी, तभी तो कल डलेगा। तो सबसे पहले तो मैंने मेरी बन रही है चाय, और जो ये एक्स्ट्रा वाले बर्तन जो बच्चों ने अभी खाना खाया था भाई, वो सब बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ, क्योंकि चाय बनने के बाद फिर भी सारे बर्तन साफ़ हो जाएंगे। और हमारी बिल्ली भी आ गई है, दूध मांग रही है। ये मेरी चाय बन रही है, और आपको दिखाती हूँ एक चीज़, वो क्या, आज हम डालेंगे मिर्ची का अचार। जो कि मम्मी डालेगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। ले पीले 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 बुआ। तो भाई मेरी चाय गल गई है, और अब डाल देते हैं इसमें दूध। ये गई इसके अंदर, अब थोड़ा सा वो दूध डालूंगी, कमी है। तो मेरी मम्मी की चाय रेडी हो जाएगी, जब तक आपको दिखाती हूँ। ये रही मिर्ची जो सुबह धो के मम्मी ने रख दी थी, तो इनका सारा पानी निकल गया है, धागा फंसा हुआ है वही। और अब मम्मी की जो भाई, जैसे मम्मी ने अचार बनाएगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। प्लीज़ व्लॉग पूरा देखना, स्किप करके मत देखना, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होता है मुझे। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं। घर में भाई जो शाम की झाड़ू निकलती वो अभी निकली नहीं है, वो निकालेंगे। अभी मम्मी का थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, जो काटा जो तोड़ते हैं हम रोज, उसको बचा हुआ मम्मी जो तोड़ के दूध पिएगी और फिर अचार डालेगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी मिर्ची का अचार। तो प्लीज़ पूरा देखना, मम्मी की आती मिर्ची कभी भी नहीं ख़राब होती भाई। बाकी तुम अगर सेम डालोगे, ऐसे सफाई से डालोगे तो नहीं ख़राब होगी। तो देखिए माथे में बहुत कौन से निकलने लगे, मेरे मत्थे में ही ज़्यादा निकलती हैं, और गर्मी इतनी, मैंने अपने कानों के भी निकाल रखे हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ बिल्कुल गर्मी में। पायल भी निकाल रखी है, पता नहीं गर्मी इतनी लगती है। तो खैर छोड़िए, चलिए जी, आप चाय पीने के बाद आपके मिले। देखिए ये है राई, जो कि हमने दिन में धूप में सुखा दी थी, बिल्कुल अच्छी हो गई है सूख से। और ये है सौंफ, अभी हैंग हो रहा है फोन शायद। ये है सौंफ, राई और सौंफ को मैं पीस लेती हूँ पहले। तो चलिए, मैंने सौंफ और राई मैंने पीस लिया है, और वासु भाई मम्मी को बर्तन ला ला के दे रहे हैं। यहाँ पे मम्मी बोल बोल के बता दी सबको, लेकिन यहाँ पे टीवी चला हुआ था, कॉपीराइट क्लेम आने का बहुत डर रहता है भाई, बहुत ही बड़ा, बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो पे आ चुके हैं, तो इसलिए डर लगता है। तो मम्मी ने यहाँ पे 1 किलो मिर्च डालेगी, तो 1 किलो मिर्च में मम्मी ने जो खाने वाली चम्मच होती है, छोटी स्पून होती है, इसमें 4 चम्मच सौंफ और 4 चम्मच राई ले ली है। नमक अपने स्वाद अनुसार भाई, जितना भी जैसे जो खाता है। तो मम्मी ने 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है, और अब इसमें डाल देगी मम्मी हल्दी, क्योंकि हल्दी बहुत ज़रूरी होती है डालनी, या अचार को ख़राब नहीं होने देती हल्दी, और कलर भी अच्छा आ जाता है इससे। तो जी ये डाल दी मम्मी ने हल्दी, मम्मी ने सारा बता बता के बताया था, लेकिन वासु ने टीवी के बाद बिल्कुल नहीं भाई कम की, तो इस वजह से मैंने उस आवाज़ को ओवर करना पड़ा। तो जी अब मम्मी का मसाला हो गया रेडी, अब मम्मी इसके अंदर डालेगी सरसों का तेल, या आप बगैर सरसों के तेल के भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल डालने से पता है क्या होता है, इससे मसाला अच्छे से जुड़ जाता है बिल्कुल अच्छे से, और मिर्ची भरने में भी अच्छे बनती हैं। तो ये वाला तेल अलग है हमारा, ये तेल है हमारा पका हुआ तेल और ठंडा हुआ तेल है ये। तो इसमें भी कुछ गर्म मसाले उबाल रखे हैं, जैसे इलायची, तेज़पत्ता, और क्या बोलते हैं स्टिक, दालचीनी बोलते हैं उसको, वो वाले। तो इसमें उबाल के ठंडा करके ये वो वाला तेल जो मसाले के अंदर डालते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है मसालों के अंदर। तो ये तेल हम स्पेशली रखते हैं मिर्च के अचार के लिए, इसके अंदर गर्म मसाले जो खड़े मसाले होते हैं वो सारे उबाल के तेल को छान के ठंडा करके ये वो तेल यूज किया। अगर आप ऐसे ही मिर्ची का अचार डालोगे तो, और बना के देखोगे तो बोलोगे कि हाँ, और कभी भी अचार ख़राब नहीं होगा।
अगर मिर्ची को अच्छे से धो के सुखा के उसके ऊपर एक भी बूंद पानी की नहीं होनी चाहिए मिर्ची के ऊपर, तब अचार रुकता है। अगर पानी की बूंद होगी तो सारा अचार तभी ख़राब हो जाता है दो चार दिन के अंदर ही। तो सबसे पहले मिर्ची को अच्छे से साफ़ करके पूछ के तब अचार बनाना चाहिए। तो जी देखिए, ये मम्मी ने अपना मसाला बना लिया है खूब अच्छे से, बिल्कुल बहुत अच्छे से मिलाना होता है इसको ताकि सारा मसाला अच्छे से मिल जाए। तो ये जो मम्मी काम करती है वो बिल्कुल आराम से और सहज सहज और पूरा सफाई से पूरा ध्यान से करती है, इस वजह से भी हमारा अचार ख़राब नहीं होता है। तो ये मसाला बनके रेडी हो गया है और अब मम्मी मिर्च को भरेगी, इसको बीच से चक्कू से बीच से फाड़ देगी और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मसाला डाल देगी। ज़्यादा नहीं, हम मसाला खाते हैं तो इसलिए कम कम करके ही मसाला भरेगी। तो देखिए, आपको दिखाती हूँ, दो चार मिर्ची ऐसे ही बीच से इनको खोल देगी और फिर वही मसाला इसी के अंदर लगा के भर देगी।